नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। आप सभी का प्यार, आप सभी के दुलार, आप सभी का आशीर्वाद आज हमें फिर से दोबारा इस मंच पे ले आया, फिर से दोबारा इस माध्यम पे ले आया कि आज हम हमारी ज्ञान आप सबके लिए साझा कर सकें। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे फिर से वापस बुला लिया और आज मेरी जवाबदेही और हमारी पूरी टीम की जवाबदेही बनती है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर दिखाएं। तो इसी सोच से हमने एक श्रृंखला बनाया है ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज के लिए। ये ऐसे पर्सनालिटीज होंगे जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होगी, वह मेरे अगर दोस्तों को जानकारी होगी भी तो बहुत बढ़िया, आप उनमें से हैं जो जिज्ञासा रखते हैं। और इन्हीं श्रृंखला का मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे देश के भारत रत्न सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 में मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। बचपन से ही काफी मेधावी व जिज्ञासु होने के साथ साथ ये काफी अच्छे छात्र रहे। मैट्रिक की पढ़ाई मात्र 11 साल की उम्र में पूरी कर लिया। इसके पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से बीए की डिग्री हासिल की इन्होंने फिजिक्स पे। 1904 में इन्होंने सबसे पहले इतनी कम उम्र में हासिल करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। 1907 में इन्हें मास्टर्स एमएससी की डिग्री कर ली फिजिक्स पे और वो भी काफी उत्कृष्ट कार्य से। 1928 में ये पहली बार नामांकित हुए थे नोबेल प्राइज के लिए। इतने कम उम्र में इन्होंने नोबेल प्राइज पाने के लिए भी अपनी होड़ पे पीछे नहीं रहे, पर किसी कारणवश उस वर्ष नोबेल प्राइज इन्हें ना मिल पाया। ये 16वें संस्करण के भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता भी संभाली 1929 को। ये पहले ही भारतीय नहीं बल्कि पहले एशियन हैं व अश्वेत व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी विज्ञान के क्षेत्र में। ये हम सबके लिए काफी गर्व की बात है और ये होनी भी चाहिए। इसके पश्चात रमन जी के बारे में बोलूं तो इन्हें विज्ञान ही नहीं, इन्हें लेखन कार्य में भी काफी अच्छा अनुभव रहा है और इनकी रुचि भी काफी उत्कृष्ट है। यही थे वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने क्वांटम फोटोस्पिन नामक एक सिद्धांत विकसित किया था, जिसके बारे में क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को 1932 में इन्होंने सबसे पहले लोगों के और पूरी दुनिया में साझा किया था। ये पहले ही व्यक्ति थे जो 1933 में भारतीय मूल होने के साथ साथ ये पहले व्यक्ति थे जो 1932 तक आते आते अपने अनेक आविष्कारों से लोगों को साझा करने की पूरी प्रयत्न करते रहे। इसके पश्चात 1933 में ये इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और ये काफी गर्व की बात है कि उस समय की जब भारतीय और वह अश्वेत व्यक्ति इस अंग्रेजों के बीच में पहला इंडियन डायरेक्टर बना 1933 में। इसके पश्चात इन्होंने त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की 1943 में, जिसका मकसद था पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा माचिस बनाना। 1948 में इन्होंने पढ़ाई अपनी फिर से प्रारंभ किया व अपने अध्ययन पे सर्वत्र लगे रहे और इसी अध्ययन के स्वरूप इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ क्रिस्टल एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस फॉर द न्यू मैनर ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ क्रिस्टल डायनामिक्स नामक नए सिद्धांत पे इन्होंने अपना एक प्रकाशित किया हुआ अपना लेख लोगों को साझा किया। इसके पश्चात इन्होंने अपने भागीदारिता किसी भी तरीके से कमी नहीं की। ह्यूमन विजन, जिसे हम सीधे शब्दों में कहें तो हमारी दृष्टि है, इसके अलावा ऑप्टिक्स, कोलाइडर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक एंट्रोस्कोपिक नामक अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में अपने लेख प्रकाशित किए, और सबसे अंततः जिसे आप हम और पूरी दुनिया जानती है और जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता 1930 में, जो है रमन इफेक्ट। ये वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं, ये पहले वो भारत के व्यक्ति हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट नामक सिद्धांत पूरी दुनिया में साझा किया अपने दृष्टिकोण से, अपने सिद्धांतों से, और ये काफी ही जबरदस्त सिद्धांत था जिससे आप और हम काफी अच्छे से जानते हैं कि आखिर आसमान नीला क्यों होता है। तो उसके पीछे का रीजन है रमन इफेक्ट। ये ऐसा सिद्धांत था पूरी दुनिया के लिए जो अपने आप में काफी नया था और जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1930 में फिजिक्स का। इसके बाद इन्होंने और नित नए कई कीर्तिमान स्थापित किए फिजिक्स के क्षेत्र में और कितने सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इनके बारे में कहूं तो मैं जितना कहूं उतना कम है,
पर फिर भी इनकी अगर मैं विज्ञान जगत से जुड़ी हुई अगर कुछ प्रकाशन के ऊपर उल्लेख की बात करूं तो वो बहुत सारे हैं, पर अब हमारे पास समय ही नहीं जा पाएगा इनके बारे में बताऊं तो। जैसे कि इन्होंने लिखा है रेडियो के ऊपर, क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर, एक्सरे के ऊपर, अप्लाइड फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम फील्ड ऑफ लाइट्स के ऊपर, रमन इफेक्ट जिसने इन्होंने खुद ही अपने नाम से स्थापित किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ वेवलेंथ, ना जाने कितने अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने अपनी रुचि बनाए रखी और अलग अलग लेख प्रकाशित करते रहे। ये काफी गर्व की बात है कि हम इनको जानते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वैज्ञानिक के तौर पर, पर आप में से बहुत से कम लोग ही शायद जानते होंगे कि इनके जन्म तिथि को ही हम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। इनकी अगर पुरस्कारों की अगर गिनती करें तो हमारे पास लिस्ट कम पड़ जाएगा, पर फिर भी मैं कुछ ऐसे पुरस्कारों पर उल्लेख करना चाहूंगा, ऐसे प्रकाश डालना चाहूंगा जो पूरी दुनिया जानती है और आपको भी जानने की इसकी बिल्कुल आवश्यकता है। मैटुशी मेडल 1928, नाइट बैचलर 1929, ह्यूग मेडल 1930, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का 1930, भारत रत्न 1954, लेनिन शांति पुरस्कार 1957 और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। इसके साथ ही साथ इनके सम्मान में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं जो कि इनका जन्मतिथि है। इसके पश्चात इनका जब निधन हुआ 21 नवंबर 1970 पे, तो यह हमारे देश के लिए काफी शोक का दिवस रहा उस दिन, पर इनकी याद में आज भी बहुत सारे नए नए ऐसे संस्था खुले हैं, ऐसे ऐसे नए नए नित नए कीर्तिमान व अलग अलग शोध संस्था का नींव रखी है इन्होंने। इनके नाम पे स्टैंप, सबसे पहले जो पोस्टल स्टैंप स्थापित हुआ था 1971 से लेकर के 2009 के बीच में। इसके बाद और तो और आपको बताऊं तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि चांद, जहां पे हमारा आज भी चंद्रयान 2 जाने वाला है और पहुंचने ही वाला है, वहां पे एक क्रेटर है जिसका नाम है रमन क्रेटर, जिसकी डायमीटर है 10 किलोमीटर। इनके बारे में जितना उल्लेख करूं उतना कम लगता है, पर हमारे पास समय की सीमा है। आशा करता हूं आपको ये हमारा आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ऐसा ही अच्छा लगे तो प्लीज अपने सुझाव बिल्कुल बताइए कि कैसा लगा आपको ये, और हमारे देश के वैज्ञानिक को जान के आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई ये मुझे ये भी बात हमें जरूर बताइएगा, और हम काफी सराहनीय करेंगे आपके हर एक प्रत्येक कमेंट पे, और मैं जरूर और हमारी टीम जरूर इस बात पे जरूर आपको कमेंट बैक रिप्लाई करेगी, और आपके हर एक कमेंट पे हम जरूर वीडियो पे काम करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो जिज्ञासा पे जरूर रहते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।